नमस्ते बच्चों, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। हमने पाठ 8 मर्यादा पढ़ लिया था, उसके शब्दार्थ भी कर लिए हैं। आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर में देखिए, इसमें दिया हुआ है अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न क में दिया है शेर शाह सूरी की न्याय व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसका उत्तर लिखना है आपको। शेर शाह सूरी की न्याय व्यवस्था न्यायप्रियता थी, न्याय प्रियता थी। ठीक है, वो न्याय करते थे बहुत ही प्यार से। प्रश्न ख, प्रश्न ख में दिया हुआ है युवराज जलाल खां का व्यवहार और कार्य कैसे थे। ठीक है, इसमें उत्तर लिखेंगे युवराज जलाल खान का व्यवहार उद्दंड और घमंडी था। अपने कार्यों में प्राय गलतियां ही करता रहता था। ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न ग, युवराज ने विकारों के जाग जाने पर क्या किया। युवराज ने सुंदर स्त्री, इस तरह लिखेंगे बेटा, सुंदर स्त्री को देखकर उसके विकार जाग उठे। ठीक है, उसने अपने पानदान से पान के दो बीड़े निकालकर उस नवयुवती पर फेंक दिए। ठीक है, इतना आंसर लिखना है आपको इसका। इसका उत्तर लिखना है आपको। देखो, प्रश्न इसमें घ का दिया है, स्त्री ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या किया। तो इसमें लिखोगे आप पर पुरुष द्वारा किए गए सतीत्व के अपमान को वह सहन नहीं कर सकी सहन
नहीं कर सकी। उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया। ठीक है, अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए उसने क्या किया था, अन्न जल का परित्याग कर दिया था। प्रश्न ड देखिए, घटना सुनकर शेरशाह सूरी को उस रात क्या हुआ था। अगले दिन ही उसका उत्तर लिखोगे, बादशाह के दरबार में फरियाद की गई, बादशाह के दरबार में फरियाद की गई। दरबार में इस घटना को गंभीरता से लेकर बादशाह कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है, बादशाह बहुत चिंतित रहने लगे। रात भर सोच विचार करते रहे और उन्हें क्या हुआ, नींद ही नहीं आई। उन्हें उस रात नींद नहीं आई। ठीक है बेटा, इस प्रश्न का उत्तर ये है। बेटा ये जो प्रश्न उत्तर है आपको पूरा ये अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है।